बजरंगबली के भक्त हैं, और आज से नहीं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के उम्र से पहले से। तो इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हुआ मेरा नाम लोग जाने, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को तो लोग इधर जान रहे हैं, मैं 1994 से सुंदरकांड करा रहा हूँ, 1994 से बजरंगबली का कट्टर भक्त हूँ। तो तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरह का स्वागत नहीं हुआ हो जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के उसमें साथ दें। हिंदू राष्ट्र का मतलब हो कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू है, और किसी माई के लाल में दम है तो आगे हमसे डिस्कस करें। जितने भी संप्रदाय हैं विश्व स्तर पर, उन सभी संप्रदायों का मूल जो रीढ़ है वह है सनातन। किसी के माथे पर मैं लिखता हूँ कि वह दरोगा बनेगा, DSP बनेगा, UPSC क्वालिफाई करेगा, तो इसको ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बजरंग बली की असीम कृपा। बाबा में चमत्कार है तो बजरंग बली कारण चमत्कार है। ढोंग तो हो ही नहीं, कोई बजरंग बली का भक्त ढोंग ही हो ही नहीं सकता। बिहार में इस वक्त जबरदस्त माहौल है। दरअसल बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, हनुमत कथा होगी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार के प्रवचन होंगे, लेकिन साथ ही साथ विवाद भी हो रहा है। विवाद इसको लेकर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के आरोप लगते हैं। वहीं बिहार के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो उनके स्वागत की तैयारी में भी जुटे हैं। तो इन तमाम बातों पर आम लोगों की क्या राय है, ये हमने आप तक पहुँचाई। अब जानते हैं कि गुरु रहमान सर, जी हाँ वही गुरु रहमान सर जो पटना वाले हैं और हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बना चुके हैं, इनसे थोड़ा जानेंगे समझेंगे, क्योंकि गुरु हैं तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुना है जब भी कोई मसला होता है आप बहुत खुलकर बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, आपने देखा राजद के कई नेता विवादित टिप्पणियां भी कर चुके हैं, तमाम तरह की बातें हो रही, आपका क्या पक्ष है? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ओवरऑल आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, कौन राजनीतिक दल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। बेसिकली मैं बजरंगबली का बहुत कट्टर भक्त हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बजरंगबली के कट्टर भक्त हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से मेरा, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, और उनसे मिलने भी जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात आपको अब बता दें हम कि भारत है हमारा देश है, भारत में बिहार की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर किसी भी धर्म की बात हो, चाहे दीन बचाओ की बात हो, प्रकाश वर्ष हो, या क्रिश्चियन लोग की कोई बात हो, तो किसी तरह का विवाद नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर भी किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए और सब लोग वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमको तो लगता है कि सब जाएँ वहाँ पर, उनका स्वागत करें और स्वागत का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो काबिले तारीफ हो। और अब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरह का स्वागत नहीं हुआ हो जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के उसमें साथ दें। और राजनीतिक दल लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं भक्त हूँ बजरंगबली का, अब बजरंगबली के भक्त आ रहे हैं वो बड़े भक्त हैं, हम छोटे भक्त हैं। मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी इच्छा होगी कि मेरी अर्जी निकले और मैं गरीबों के लिए जो अनाथालय खोलना चाह रहा हूँ उसमें उनका सहयोग मिल जाए। बहुत अच्छा आपने बताया कि आप भी एक सामाजिक काम में आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। हमने देखा है कि बिहार जितना विवाद कहीं नहीं हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत जगह गए लेकिन बिहार में खासतौर पर विवाद हो रहा है। कहीं ना कहीं वो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और कई बार कहते हैं कि सनातनी साथ आ जाए, क्या इस तरह के उनके वचन के कारण, बोल के कारण विवाद हो रहा है? आपको क्या लगता है जो वो कहते हैं वो कितना सही गलत है? देखिए, बाबा हिंदू राष्ट्र की जो बात कहते थे, हिंदू राष्ट्र एक अवधारणा है, कोई समझता नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल हिंदू नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हो कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदू है, और सबका परम उद्देश्य होता है कि अपने राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। हमीद हो तो वो भी भारत का ही था, हिंदू का ही, भारत का जो आदमी है वो हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर केवल हिंदुओं से है तो उसको मैं नहीं मानता, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे जो भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उसका तहे दिल से मैं सिरोदार्ज करता हूँ। और इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोई बात ही नहीं है, इस बात होना भी नहीं चाहिए, इसको राजनीतिक रंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सदियों से एक साथ रहते हैं। और रही बात सनातन की, तो एक बात मैं आपको दावे के साथ बता दूँ, और किसी माई के लाल में दम है तो आगे हमसे डिस्कस करें, सनातन बोलना, सनातन सुनना ये दूसरी बात है, और सनातन को समझना ये दूसरी बात है। एक से एक जाहिल कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन उनको सनातन क्या है पता ही नहीं है।
तो उन जाहिलों से क्यों मुंह लगाना भैया। सनातन का मतलब जीवन पद्धति होती है, विश्व की प्राचीनतम विचारधारा, ब्रह्मांड की प्राचीनतम विचारधारा सनातन है। और सनातन के मार्ग पर चलेगा जो, वो कभी किसी का गलत सोच ही नहीं सकता है। बजरंगबली का जो भक्त होगा वो कभी कभी बोल ही नहीं सकता है। तो सनातन को समझे लोग, सनातन को अपनाएं, क्योंकि अभी वक्त की मांग है कि सनातन को अपना के चलें, क्योंकि सनातन से ही सारी विचारधाराएँ निकली हैं। जो अपने मूल को या माँ बाप को ही भूल जाए तो फिर मेरा क्या वजूद है। तो सनातन जितने भी संप्रदाय हैं विश्व स्तर पर, उन सभी संप्रदायों का मूल जो रीढ़ है वह है सनातन, उसको जानने की आवश्यकता है। बिहार में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो धर्म निरपेक्ष दल बना रहा है और कह रहा है कि जो धर्म को लेकर कट्टरता दिखाएंगे ये धर्म निरपेक्ष दल उनके खिलाफ खड़ा रहेगा। अब क्या मानते हैं वाकई में ये जो किसी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना कितना सही है? मतलब ये क्या विचारधारा है कि अगर कोई अपने धर्म को मानता है, उसका प्रचार करता है, तो वो कट्टरता की ओर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं नहीं, ये कौन धर्म है, कौन राजनीतिक दल है, हम नहीं जानते हैं। यानी कि एक भी 80% लोग में एक भी कोई 1% हिंदू को बताइए, उठा के लाइए, तो जो कहिए कि बजरंग बली का विरोधी है वो नहीं है। तो ये क्या लोग कर रहे हैं, यानी धर्म के आधार पर लड़वाना और धर्म की चर्चा करना, दोनों में अंतर है। और बाबा चूंकि बजरंग बली के भक्त हैं इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से वो गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका विरोध नहीं होना चाहिए। एक मंत्री है बिहार सरकार के, सहकारिता मंत्री का बयान है कि बाबा के मंचों पे तो महिलाएं नाचती हैं, उनके वस्त्र तक इधर उधर हो जाते हैं, इस तरह के बोल भी सुनने को मिले। तो आपने बाबा के, आप भी भक्त हैं, आप उनके कार्यक्रम देखते हैं, आपको लगता है कि उनके दरबार में आडंबर होता है, पाखंड होता है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, वो कौन मंत्री कहा मंत्री हम नहीं जानते हैं कि क्या कौन क्या बोलता है। लेकिन एक बात हम बता दें कि जो बजरंग बली का कट्टर भक्त होगा उसमें कुछ ना कुछ गुण आ जाती है। जैसे देखिएगा कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, और आज से नहीं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के उम्र से पहले से, तो और ये तो बहुत छोटे उम्र से पहले से, और आज भी अगर किसी के माथे पर मैं लिखता हूँ कि वो दरोगा बनेगा, DSP बनेगा, UPSC क्वालिफाई करेगा, तो इसको ये होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बजरंग बली की असीम कृपा होती है। तो असीम कृपा कारण ऐसा होता है। तो बाबा किसी तरह का ढोंग नहीं करते हैं, और बजरंग बली के भक्त हैं तो निश्चित रूप से उन पर बजरंग बली का आशीर्वाद जाता ही होगा, और इसी कारण बस बाबा सब कुछ बता देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। क्योंकि बजरंग बली सब कुछ बताते हैं, बाबा क्या बताएंगे, बजरंग बली के ही आशीर्वाद से हुआ आज से। बिल्कुल, एक छोटा सा अंतिम सवाल आपसे लेंगे। जो बाबा की चमत्कार पर अभी कुछ समय पहले बहुत पूरे देश में एक चर्चा थी, एक विवाद भी पैदा हुआ कि चमत्कार है, जादू है, इस सब पर कहीं ना कहीं आप किस तरह देखते हैं? एक योग के जरिए जो आदमी के अंदर की एक शक्ति विकसित होती है उसको चमत्कार और जादू कह देना, और ये मानना कि सिर्फ विज्ञान के जरिए ही हम मानते हैं जब तथ्यों को साबित कर देते कि यही चमत्कार है, यही होता है, लेकिन जो योग और ये जो पूजा पाठ के जरिए शक्तियाँ आती, इसको नकारता क्यों है समाज? देखिए, सैद्धांतिक सुचता और व्यवहारिक सुचता में अंतर होता है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लोग और करते कुछ नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो जो भी विरोध कर रहा है वो लोग अपना अपना कोई ना कोई उनका राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन बाबा में चमत्कार है तो बजरंग बली कारण चमत्कार है। ढोंग तो हो ही नहीं, कोई बजरंग बली का भक्त ढोंग ही हो ही नहीं सकता है, और जादू की बात ही नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बजरंग बली देवों के देव हैं, महादेव के अवतार हैं, और वैसी स्थिति में बजरंग बली के भक्त अगर धीरेन्द्र शास्त्री हो या गुरु रहमान हो या इट बेरा कोई भी हो, वह निश्चित रूप से भक्त है, और उसके द्वारा कहे कि सारी की सारी बातें वह एक भगवान तुल्य बात है जो बजरंग बली के आशीर्वाद से होती है। इसको चमत्कार या ढोंग या विज्ञान के रूप में मैं नहीं देखता, क्योंकि बजरंग बली में वो शक्ति है, वो समर्पण है, वो त्याग है, वो कर्म उनका जो है किसी में है, औकात नहीं है। तो निश्चित रूप से बजरंग बली का आशीर्वाद जिस पर गया है उसकी समस्या दूर हुई है। और चुप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हुआ मेरा नाम लोग जाने, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को तो लोग इधर जान रहे हैं। मैं 1994 से सुंदरकांड करा रहा हूँ, 1994 से बजरंग बली का कट्टर भक्त हूँ। तो मैं इसलिए बोला हूँ कि बजरंग बली के मानने से, बजरंग बली के कृपा से जो समस्या हो दूर हो, और मैं इसलिए मिलने जाऊँगा, इसलिए बेचैन हूँ, इसलिए मिलने जाऊँगा कि मैं गरीब अनाथ असहाय के लिए एक अनाथालय खोलने जा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है गरीबों को पढ़ाने के कारण मैं पैसा वाला नहीं हूँ। तो वैसी परिस्थिति में बजरंग बली एक सकारात्मक कार्य में हमारा सहयोग करेंगे, अब बाबा उसके जरिया बनेंगे,
ये हमको ऐसा लगता है। बहुत अच्छे से आपने तमाम दर्शकों तक बातें पहुंचाई हैं, तो हम बस इतना ज़रूर कहेंगे कि जब भी कोई ऐसा विवाद होता है तो उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, और हमने इस विवाद को बहुत खोलकर आपके सामने रख दिया है कि विवाद जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक विवाद है, असल में किसी की आस्था कितनी गहरी है ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसकी आस्था है। तो किसी की आस्था पर प्रश्न उठाना गलत बात है, हम भी इसे गलत मानते हैं, और इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जो भी है निष्पक्ष होकर हर पहलू को समझिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। खैर, बाबा आ रहे हैं, बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उत्साह है लोगों में, और हम भी पूरी कवरेज बनाए रखेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, फेसबुक पर फॉलो भी कीजिए। नमस्कार।